भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से कई गांव प्रभावित, स्थानीय लोग टेंट में शरण लेने को मजबूर। असम के नागांव जिले के कई गांवों में आई बाढ़ से स्थानीय लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश से बोरपानी और कपिली नदियों का जल स्तर बढ़ गया था। बाढ़ का पानी घरों में घुसने के बाद रामपुर और राहा के लोग सड़कों के किनारे बने मकानों की छत अस्थाई टेंट तले शरण लेने को मजबूर हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने 24 सितंबर को भारी वर्षा के बाद कार्बी लैंगपाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के उद्घाटन को तबाही का कारण बताया। एक स्थानीय नागरिक ने बताया कि 7 नंबर का बांध पहले खोला गया था, जिससे बाढ़ की स्थिति काफी बदतर हो गई है। कल रात बाढ़ के पानी ने लोगों के मवेशियों को बहा दिया और हमारे खेत पूरी तरह से बह गए। हम पहले से ही कोविड-19 लॉकडाउन के कारण संघर्ष कर रहे हैं, हम इससे कैसे उभरेंगे। उन्होंने सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि वह बांध के अधिकारियों से बात करें, उन्हें इस स्थिति में हमारी मदद करनी चाहिए।